सबको जय मसीह की। और आज की शाम में फिर से हमारे इस बाइबल अध्ययन में आप सबका स्वागत करता हूँ, और ख़ास रीति से वे सभी जो ऑनलाइन रीति से हमसे जुड़े हैं लाइफ स्प्रिंग असेंबली के इस बाइबल अध्ययन के समय में, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और इस बाइबल अध्ययन के माध्यम से हमारी प्रार्थना, हमारा विश्वास यही है कि परमेश्वर अपने वचन के अध्ययन के द्वारा आप सबको आशीषित करे, और परमेश्वर के वचन को सीखकर हम सिर्फ उसे सुनने वाले नहीं, लेकिन उसे अपने जीवनों में लागू अभ्यास करने वाले चेलों के समान बन जाएं। मेरे प्रियो, अगर आप सबको याद होगा, हमने पिछले हफ्ते यहूदा की पत्री के अध्ययन को शुरू किया, और जिस प्रकार मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा विराम हम पहला कुरिन्थियों की पत्री के अध्ययन में ले रहे हैं, और यहूदा की इस पत्री के समाप्त होने के पश्चात हम दोबारा पहला कुरिन्थियों के अध्ययन में वापस जाएंगे, जिसमें हमारे वरिष्ठ पासवान हमारा अगुवाई करेंगे। लेकिन आज की शाम आइए हम फिर से यहूदा की पत्री के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। और अगर आप सबको याद हो तो पिछले बुधवार के दिन हमने अपने अध्ययन को यहूदा की पत्री पर शुरू किया था, और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कैसे इस पत्री का विभाजन किया गया है, क्योंकि विभाजन जानना इसलिए ज़रूरी था ताकि हम अपने अध्ययन को सही रीति से वचन दर वचन करने पाएँ। और उसके पश्चात हमने देखा पहले और दूसरे वचन में किस प्रकार से यहूदा अपने विषय में लिखता है, और किस प्रकार से वो अपना नमस्कार और अभिवादन पहले दो वचनों में विश्वासियों के लिए लिखता है। और उसके पश्चात हमने तीसरे वचन का अध्ययन किया, और तीसरे वचन में जब हमने अध्ययन किया तो ये देखा और पाया कि किस प्रकार से यहूदा हम विश्वासियों को बुला रहा है ये कहने के लिए, घोषणा कर रहा है, एक उपदेश दे रहा है मेरे प्रियो, कि हम सबको अपने विश्वास की रखवाली करनी है, क्योंकि वो चीज़ जो मूल्यवान है उसकी रक्षा की जाती है। तो हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में मूल्यवान है, एक ऐसी वस्तु है जिसकी हमें रक्षा करनी है, क्योंकि शैतान घात लगाकर उस विश्वास को कमज़ोर करना चाहता है मेरे प्रियो। तो इस प्रकार तीसरे वचन में यहूदा की पत्री में हमने देखा था कि कैसे यहूदा एक उपदेश देता है उस समय के विश्वासियों, और मेरा मानना है आज के दिन हम सब विश्वासियों को कि हमें अपने विश्वास की रखवाली करनी है। मेरे प्रियो, आइए आज की शाम हम आगे अपने इस अध्ययन में बढ़ेंगे और चौथे वचन में अपने अध्ययन के जाएंगे। मेरे प्रियो, अगर आपको तीसरे वचन में जैसे मैंने बताया यहूदा कहता है, एक घोषणा करता है, कहता है हमें अपने विश्वास की रखवाली करनी है, और चौथे वचन में यहूदा अपनी पत्री के बात कर रहा है कि क्यों हमें अपने विश्वास की रखवाली करनी है। प्रियो, आइए मैं चौथे वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं, और मैं हमारी बाइबल में पढ़ने जाऊंगा, और मेरी विश्वास और आशा यही है कि आप सब बाइबल और नोटबुक्स लेकर के बैठे हैं कि आप नोट्स को ले सकें। तो जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ, कृपया आप भी अपनी बाइबलों में इस वचन को पढ़ें। यहूदा की पत्री उसका चौथा वचन, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, और एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। तो मेरे प्रियो, हम यहूदा की पत्री चौथे वचन से अपने अध्ययन को आज की शाम शुरू करेंगे, और चौथे वचन में हम देखते हैं कि तीसरे वचन में यहूदा ये कहता है कि हमें अपने विश्वास की रखवाली करनी है, लेकिन चौथे वचन में वो ये बताता है कि क्यों हमें अपने विश्वास की रखवाली करनी है। आप पढ़ेंगे चौथे वचन में ये वो कहता है कि कुछ ऐसे खतरनाक लोग हैं, ऐसे मनुष्य हैं जो हमारे बीच आ पहुँचे हैं। यानी वो ये कहना चाह रहा था उस समय की कलीसिया में हो क्या रहा था, कुछ ऐसे खतरनाक लोग थे जो मंडली में, जो कलीसिया की सहभागिता में, जो कलीसिया के इकट्ठे होने के समय में उनमें आकर घुस मिले थे। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि क्यों हमें अपने विश्वास की रखवाली करनी है, और इसका वर्णन यहूदा चौथी पत्री में करता है। चौथी पत्री में वो ये कहते हुए शुरुआत करता है कि क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य जिनके चुपके से हमें आ मिले हैं, वो कहता है सर्टेन मैन हैव क्रप्ट इन अननोटिस्ड। मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं, सर्टेन मैन हैव क्रप्ट इन अननोटिस्ड हु लॉन्ग एगो वर मार्क्ड आउट फॉर दिस कंडमिनेशन, अनगॉडली मैन हु टर्न द ग्रेस ऑफ आर गॉड इनटू लूडनेस एंड डिनाई द ओनली लॉर्ड गॉड एंड आर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट।
तो वो ये कहते हुए शुरुआत करता है, सर्टेन मैन हैव क्रेप्ट इन अननोटिस्ड। हिंदी में लिखा है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं। और देखने की बात यह है कि यहूदा यह कह रहा है कि कुछ लोग चुपके से उस समय की मंडली, उस समय के विश्वासियों के सहभागिता में आ मिले हैं, और ये बात उन लोगों को खतरनाक बनाती है, क्योंकि वो कैसे आए हैं बता करके नहीं आए हैं, खुद के विषय में इंट्रोडक्शन दे करके या सबसे मिलते हुए मंडली में आके नहीं मिले हैं। यहाँ पर वो कहता है वो चुपके से, यानी वो ये कहना चाह रहा है ये छुपके सबकी नज़रों से छिपकर मंडली में आ घुसे हैं, आ कलीसिया के बीच आ मिले हैं और इनको किसी ने देखा भी नहीं। तो इसका मतलब है कि वो अपने ऊपर एक शीर्षक लगा के नहीं चल रहे हैं कि मैं खतरनाक हूं, और लेकिन उसके साथ साथ या वो ऐसा कोई शीर्षक लगा के नहीं चल रहे हैं कि मैं झूठा भविष्यवक्ता हूं या झूठा शिक्षक हूं, लेकिन वो ये वचन में कहा गया है, यहूदा लिखता है कि ये चुपके से मंडली में आ मिले हैं। मेरे प्रिय, आज के दिन भी ऐसा ही होता है, कुछ लोग, मेरा ये मानना है, जिनको जिनका शैतान प्रयोग करता है, कुछ लोग चुपके से मंडली में, चुपके से कलीसिया में आकर कलीसिया के बीच मिल जाते हैं, और उनका उद्देश्य क्या होता है, उनका उद्देश्य कलीसिया को तोड़ने का होता है मेरे प्रियो। और वो होते कौन है, कई बार वो झूठे शिक्षक भविष्यवक्ता होते हैं। और आज के दिन मेरे प्रियो, अगर आप YouTube, Instagram, Facebook उठाकर देख लेंगे तो सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स, सबसे ज़्यादा अनुयायी, सबसे ज़्यादा डिसाइपल्स, सो कॉल्ड डिसाइपल्स, चेले, जो कहने में चेले हैं, किनके पास हैं, ऐसे ही झूठे शिक्षकों के पास, ऐसे ही झूठे भविष्यवक्ताओं के पास। तो हमें विश्वासी होते हुए क्या करना है, विश्वासी होने का ये मतलब नहीं है कि मैं और आप अगर विश्वासी हैं तो हर बात पर विश्वास कर ले, हमें हर बात पर विश्वास करने के लिए नहीं बुलाया गया है मेरे प्रियो। अगर हम विश्वासी हैं तो मेरे प्रियो, बरिया के विश्वासियों के समान हम भी जब किसी वचन को सुनते हैं, उपदेश को सुनते हैं, खास रीति से ऑनलाइन माध्यम से किसी को सुनते आ रहे हैं, उसके वचन को बाइबल से जांचें और परखें मेरे प्रियो, क्या वो वचन, क्या वो शिक्षा, क्या वो उपदेश, क्या वो भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन अनुसार है, और अगर नहीं है तो वो व्यक्ति झूठा शिक्षक है। ऐसा ही कुछ आज के दिनों में हो रहा है कि कुछ लोग चुपके से कलीसिया के बीच आ घुसे हैं। ये चुपके से क्या मतलब है, जब बाइबल में यहूदा लिखता है चुपके से, इसका क्या मतलब है? चुपके से मतलब है, कहना ये चाह रहा है सरल भाषा में, कि कलीसिया का सामने का दरवाजा है, चोर कैसे आता है, सामने के दरवाजे से कभी नहीं आएगा। यहूना क्या, यहूना के पत्री में, सुसमाचार में क्या लिखा है, चोर क्या करने आता है, घात करने, नाश करने, चोरी करने। मेरे भैया, तो चोर कैसे आता है, कभी भी सामने के दरवाजे से नहीं आएगा। वो कैसे आता है, वो चुपके से, बगल से, साइड से दरवाजों को ढूंढता है, साइड से ओपनिंग्स को ढूंढता है कि कहीं से मुझे मौका मिले तो मैं चुपके से अंदर घुस जाऊं ताकि मुझे कोई देखने ना पाए। तब तो यहूदा इस शब्द का प्रयोग जब कर रहा है, जब वो कहता है चुपके से, वो वैसे वो कहना साधारण रीति से ये चाहता है कि ये लोग कौन लोग, ये झूठे शिक्षक चुपके से, साइड डोर से, यानी बगल के दरवाजे से आए हैं, सामने के दरवाजे से नहीं आए और कलीसिया में आकर मिल गए हैं। मेरे प्रियो, शैतान जानता है कि एक व्यक्ति जो शैतान के द्वारा चलाया जा रहा है, अगर उसे कलीसिया के अंदर भेज दिया जाए तो उन हजारों दुष्ट आत्माओं से कहीं बढ़कर वो प्रभावशाली होगा और विनाश करेगा कलीसिया के अंदर, जब वो हजार दुष्ट आत्माएं बाहर कर सकती है। मैं फिर से इस बात को दोहरा दूं, शैतान इस बात को जानता है, अगर वो अपने किसी एक झूठे शिक्षक को, झूठे भविष्यवक्ता को कलीसिया के अंदर भेज दे, तो वो ये जानता है कि ये एक झूठा शिक्षक, ये एक झूठा भविष्यवक्ता उन हजार दुष्ट आत्माओं से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, ज्यादा घात कलीसिया को देगा जो कलीसिया के अंदर है, इसकी बजाय कि वो हजार दुष्ट आत्माएं जो कलीसिया के बाहर हैं। इसीलिए शैतान ऐसे लोगों को कलीसिया के बीच में लाता है,
और चार्ल्स स्पर्जन, अगर आपने सुना हो ये नाम, चार्ल्स स्पर्जन का भी यही मानना था और उनका ही ये कहना भी है कि 1,000 दुष्ट आत्माएं कलीसिया के बाहर जितना नुकसान पहुंचा सकती हैं उससे कहीं ज्यादा एक झूठा शिक्षक कलीसिया के अंदर विनाश कर सकता है मेरे प्रियो। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले तो वो कहता है ये लोग छुपके से आ गए हैं, उसके बाद वो एक चीज और कह रहा है, वो ये कहता है जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था, अंग्रेजी में लिखा है हु लॉन्ग एगो वर मार्क्ड आउट फॉर दिस कंडमिनेशन। इसका मतलब है ये लोग, ये कौन लोग, ये झूठे शिक्षक, ये झूठे भविष्यवक्ता, इनका भविष्य, इनका न्याय पहले से ही कर दिया गया था, क्योंकि यही अंतिम न्याय सारे झूठे शिक्षकों का, सारे झूठे अगुओं का, सारे झूठे भविष्यवक्तों का परमेश्वर ने कर रखा है। उनका क्या है, उनको पहले से ही दंड के लिए परमेश्वर ने तय कर रखा है। और क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो जिनके अंदर भक्ति नहीं है, वो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को सच्ची रीति से नहीं जानते, ये ऐसे लोग हैं जो बाहर से कैसे भी दिखे लेकिन अंदर से उनके अंदर परमेश्वर का बिल्कुल भय नहीं है। तो इसलिए यहूदा कहता है वे लोग, यानी ये लोग, ये झूठे शिक्षक, ये झूठे भविष्यवक्ता, ये झूठे अगवो को पहले से ही परमेश्वर ने दंड का वर्णन पहले समय से ही लिख दिया गया है, यानी इनके अंदर ना तो परमेश्वर के लिए कोई भय है ना कोई डर है। ये बाहर से कितने भी भक्तिशाली दिखते हो, बाहर से कितने भी समर्पित दिखते हो, बाहर से कितने भी पवित्र दिखते हो, आत्मिक दिखते हो, मायने नहीं रखता, लेकिन अंदर से इनके अंदर परमेश्वर के लिए भीतरी रूप से कोई भी आदर नहीं, कोई भी भय नहीं, और इसीलिए ये झूठी शिक्षाओं को प्रचलन में लाते हैं मेरे प्रियो। आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़कर यहूदा कहता है कि ये दे हैव कम इन अननोटिस्ड, यानी वो कहता है कि ये चुपके से मंडली में, कलीसिया में आ घुसे हैं, ये परमेश्वर के द्वारा कलीसिया में नहीं लाए गए, ना परमेश्वर ने इनको कलीसिया में भेजा है, लेकिन ये खुद चुपके से कलीसिया में आ मिले हैं। और हो सकता है ये झूठे शिक्षक जब चुपके से कलीसिया और मंडली में आते हैं या मिलते हैं तो वो कई विश्वासी उनके इस आने को देखते भी नहीं, नोटिस भी नहीं करते, ठीक है। लेकिन जहां तक परमेश्वर की बात करी जाए, परमेश्वर ये कहता है, या यहूदा अपनी पत्री में इस बात को लिखता है, भले ही हमारी मंडली कलीसिया में आकर ये झूठे भविष्यवक्ता या शिक्षक आकर मिल जाते हैं चुपके से, और विश्वासी हो सकता है इन्हें ना पहचान पाए, लेकिन परमेश्वर इन्हें जानता है, परमेश्वर इन्हें पहचानता है, और परमेश्वर ने पहले से ही इनके दंड के वर्णन को लिख रखा है, इनके दंड को लिख लिया है। इसके बाद यहूदा आगे बढ़ते हुए कहता है ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। उसका कहना यह है कि ये लोग, ये जो कुछ लोग आ घुसे हैं चुपके से मंडली में, चुपके से कलीसिया में आ घुसे हैं, इन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह से कुछ तो पाया है, लेकिन जो कुछ, जब इन्होंने उस बात को, उस अनुग्रह को पाया, उस अनुग्रह को इन्होंने क्या किया, लुचपन में बदल डाला। देखिए कैसे वो कह रहा है, वो कहता है ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, यानी वो ये कहना चाहता है कि अनुग्रह तो इन झूठे भविष्यवक्ता और शिक्षकों को भी मिला, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह इनको भी दिया, इनको ऊपर भी दिखाया, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उन सब के लिए जो उस पर सच्चे मन से, सच्चे दिल से अपने पापों से पश्चाताप करते, मन फिराते और परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। तो ये झूठे भविष्यवक्ताओं ने शुरुआत तो अच्छी करी, इन्हें भी अनुग्रह परमेश्वर ने अपना दिया, लेकिन ये भक्तिहीन हो गए, और भक्तिहीन होने के बाद इन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को क्या किया, उस अनुग्रह को जो परमेश्वर ने इन्हें दिया उस लुचपन में बदल डाला। मेरे प्रियो, इस बात से मैं, आपका ध्यान भी इस बार, अपना और आपका ध्यान, हम सबका, हम सभी विश्वासियों का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहता हूँ, हम सभी को परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, हम उस अनुग्रह के साथ क्या करते हैं ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है।
द ग्रेस ऑफ गॉड हैज़ बीन गिवन फ्रीली टू ईच वन ऑफ अस। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को बहुतायत से अपनी विश्वास योग्यता के अनुसार हम सबको दिया है, लेकिन क्या हम उस अनुग्रह को सच में अनुग्रह जानकर अपने जीवन को उस अनुग्रह के अधीन में जीना जी रहे हैं, या हम भी कई बार परमेश्वर के अनुग्रह को अपने अनुसार और अपनी बातों के लाभ के लिए बदल डालते हैं। मेरे प्रियो, हमें बड़ी सावधानी बरत के रखनी है, क्योंकि इन झूठे शिक्षकों को भी जो अभी झूठे हो गए हैं, शुरुआत में ये भी विश्वासी थे, सो कॉल्ड विश्वासी, क्योंकि इनको भी अनुग्रह मिला, इन्होंने भी परमेश्वर के विषय में सुना होगा, जाना होगा, इनको भी अनुग्रह मिला, लेकिन ये भक्तिहीन हो गए और परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डाला। होने दें हम परमेश्वर के अनुग्रह को कभी भी हल्की रीति से ना लें। हालेलुया। इसके बाद वो कहता है, जब मैं बताना चाहता हूं कि इस लुचपन के पीछे कि विचार क्या है यहूदा का, जब वो शब्द का प्रयोग कर रहा है कि इन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डाला, तो यहूदा कहना क्या चाह रहा है, उसके इस शब्द के पीछे लुचपन जो शब्द है इसके पीछे का विचार क्या है। ये जो शब्द है ये पुराना शब्द है लुचपन, जिसका मतलब है एक ऐसा पाप जिसे बिना किसी शर्म के अभ्यास किया जाए। मेरी बात को समझ रहे हैं? कुछ पाप होते हैं जिनको करने में बड़ी शर्म आती है लोगों को, और बड़ा छुप के वो करना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि संसार या लोग उनके उस पाप को देखें या उस पाप के विषय में जाने या सुने। लेकिन लुचपन जो शब्द है इसका मतलब ये है कि एक ऐसा पाप जो बिना किसी शर्म के, जैसे कहते हैं ना कई बार हम लोग हिंदी भाषा में कहते हैं कि बेहुदा, बिल्कुल बेहुदा पाप, जिसमें किसी भी करते समय ना अगले को ना कोई लज्जा आती है ना कोई शर्म आती है, लेकिन वो बड़े गर्व के साथ बड़े हियाव के साथ उसे करता है। तो लुचपन जो शब्द है इसका मतलब ये है, बेसिकली ये विचारधारा इसके पीछे यहूदा देना चाहता है कि एक ऐसा पाप जो बिना शर्म के ये अभ्यास करते, ये कौन? झूठे शिक्षक। और एक ऐसा पाप जो बिना किसी विवेक के, इनके अंदर विवेक नहीं है, बिना किसी शर्म के, बिना किसी विवेक के ये लोग इस पाप को अभ्यास करते हैं। और जो ये शब्द है लुचपन, इसका प्रयोग अगर आप देखेंगे तो खास रीति से किया जाता है जब शारीरिक पापों के विषय में बात किया जाए, या सेक्सुअल इमोरलिटी या व्यभिचार, जब लोग व्यभिचार के पाप को करते हैं तो तब उस लुचपन शब्द का प्रयोग किया जाता है, अगर आप देखेंगे। लेकिन जब आप बाइबल को, अगर हम बाइबल के आधार को ना देखकर देखें और बाइबल के बाहर देखें कि कैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, तब ये पता चलता है कि लुचपन जो शब्द है इसका मतलब साधारण रीति से ये है कि सच्चाई का तिरस्कार करना और झूठ को बिना शर्म के सिखाना। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को समझिएगा आज की शाम। अगर हम बाइबल को कुछ समय के लिए किनारे रख कर इस लुचपन शब्द का प्रयोग या इसका अर्थ बाइबल के बाहर देखने की कोशिश करें, तो पुराने समय में शब्द का मतलब बाइबल के बाहर ये था कि जो सच्चाई है, जो सत्य है, उसका तिरस्कार करना, उसका इनकार करना, और जो झूठ है उसे बड़े गर्व के साथ, उसे बड़े शर्म के साथ सिखाना, क्षमा करिएगा, बड़े गर्व के साथ सिखाना और बिना किसी शर्म के सिखाना। तो मेरे प्रियो, क्या ऐसा आज के दिन नहीं हो रहा है? मुझे पता है, आप सबको पता है कि इतना सारा झूठ, जैसे बाइबल में लिखा है, अंत के दिनों में कई सारे झूठे शिक्षक, कई सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और मेरा को लगता है यीशु मसीह की वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। देखते हैं इन दिनों में कितने सारे झूठे शिक्षक, कितनी सारी नई नई शिक्षाएं जिसको सुसमाचार कहा जाता है, अति अनुग्रह और चंगाई का सुसमाचार, समृद्धि का सुसमाचार, ऐसी कई सारी शिक्षाएं आ चुकी हैं, लेकिन सच्चा सुसमाचार का प्रचार कम हो रहा है मेरे प्रिय। और इसलिए लोगों के जीवन भी सच्ची रीति से नहीं बदलते, क्योंकि ये झूठे शिक्षक सच को मिलावट करते हैं, सच का इनकार करते हैं और झूठ को बिना किसी शर्म के प्रचार करते हैं मेरे प्रियो। तो जो लुचपन शब्द है उसका मतलब यही है कि झूठ का प्रचार करना बिना किसी शर्म के। उसके बाद, और मेरा ये मानना है, जब यहूदा इस शब्द लुचपन का प्रयोग करता है तो उसके दिमाग में ये दोनों विचार चल रहे हैं कि एक तरफ सच्चाई का तिरस्कार करना और दूसरी तरफ बिना किसी शर्म के झूठ का प्रचार करना, झूठी शिक्षाओं को सिखाना, उनको प्रचलन में लाना।
तो मुझे ये लगता है दो इस पत्री को लिखते समय दोनों विचार उसके मन में चल रहे हैं, क्योंकि क्योंकि ये झूठे शिक्षकों के संग ना केवल सिद्धांतों की समस्या थी लेकिन इनके जीवनों में नैतिक समस्याएं भी थी, मॉरल एंड डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम्स। और आप किसी भी झूठे शिक्षक को आज भी अगर देखेंगे तो ये दोनों समस्याएं उसके जीवन में होगी, नैतिक समस्याएं, मॉरल प्रॉब्लम्स एंड डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम, सिद्धांत, बाइबल के जो डॉक्ट्रिन्स हैं उसमें मिलावट करना और जो नैतिकता है उसमें मिलावट करना, दोनों चीज़ों को आप नोटिस करेंगे मेरे प्रिय, आप देखेंगे। और अगर हम यहूदा के इन वचनों को, इस वचन को, चौथे वचन को देखें तो हमारे हमें ये लगेगा और ये समझ में आता है कि अनुग्रह का प्रचार करने में खतरा है। There are some who may take the truth of God's grace and turn the grace of God into lewdness. इस कहना, जब हम उसके इस वचन को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अनुग्रह का प्रचार करना खतरा है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर इसे लुचपन में बदल डालते हैं, क्योंकि वे लोग, वे झूठे शिक्षक भक्तिहीन हो चुके हैं। तो इसलिए क्योंकि वो इस बात को नहीं पहचानते और तो हमें इस बात को क्षमा करिएगा, इस बात को समझना है कि जिस प्रकार यहूदा इस चीज को लिखता है वो ये लिख रहा है कि जो अनुग्रह का सुसमाचार है इसका प्रचार करना हो सकता है खतरे की बात हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अनुग्रह अपने आप में कुछ गलत चीज़ है या अनुग्रह का संदेश अपने आप में कुछ गलत है, परमेश्वर के अनुग्रह का संदेश में कुछ गलत है, नहीं। ये इस बात को दिखाता है कि जो मनुष्य का हृदय है वो कितना भ्रष्ट हो चुका है, वो कितना दुष्ट हो चुका है कि वो परमेश्वर के अनुग्रह को भी लुचपन में बदल डालता है, उसको इतना भक्तिहीन हो चुका है उसका हृदय, इतना दुष्ट हो चुका है, इतना करप्ट हो चुका है, भ्रष्टाचार इतना आ चुका है मानव के हृदय में कि वो परमेश्वर के अनुग्रह के संदेश को भी लुचपन में बदल डालता है। उसके बाद मेरे प्रियो हम चौथे ही वचन में आगे बढ़ेंगे, आगे वो कहता है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, और आगे क्या कह रहा है, और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। अंग्रेजी में लिखा है एंड डिनाई द ओनली लॉर्ड गॉड एंड आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और ये कुछ लोग बार बार वो यही कह रहे हैं, सर्टेन मैन, कुछ लोग, ये कुछ लोग कौन, ये झूठे शिक्षक क्या करते हैं, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। और वो कैसे इस बात को करते हैं, दे डू दिस बाय रिफ्यूजिंग टू रिकॉग्नाइज हु जीसस सेड ही वॉज। वो इस चीज़ को, इस इनकार को यीशु मसीह के ऐसे करते हैं जब वो ये नहीं पहचानते कि यीशु मसीह कौन है, जो जिस विषय में यीशु मसीह ने खुद अपने विषय में अपना वर्णन किया कि मैं कौन हूँ, वो इस बात को नहीं पहचानते और इसीलिए वो परमेश्वर पिता का भी इनकार करते हैं। हमें इस बात को यहूदा नहीं बताता अपनी इस पत्री में कि कैसे ये झूठे शिक्षक प्रभु यीशु मसीह का किस रीति से इनकार करते हैं। हो सकता है कि वो उसका इनकार करते हो क्योंकि उनके जीवन में कोई भक्ति नहीं है, समर्पण नहीं है, और अपने उस आभक्ति को, अपने लुचपन को, अपनी अनैतिकता को छुपाने के लिए वो उसका इनकार करते हैं। हो सकता है, क्योंकि हमें स्पेसिफिकली, हमें सीधे रूप से यहूदा ये नहीं बताता कि वो किस रीति से प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हो सकता है वो अपनी झूठी शिक्षाओं का प्रचार या प्रचलन करने के द्वारा यीशु मसीह का इनकार करते हैं, और हो सकता है या दोनों ही सच हैं। इसका मतलब क्या है, उनके जीवन में खुद भी पाप है और अपने पापों को छुपाने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह के इनकार करते हैं, और साथ ही साथ अपनी झूठी शिक्षाओं को प्रचार कर, झूठी शिक्षाओं को बोलकर, प्रचलन में लाकर वो यीशु मसीह का इनकार करते हैं। दोनों ही बातें सत हो सकती हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो लिखता है कि यहूदा आगे जाकर के लिखता है पांचवें वचन को की ओर हम बढ़ेंगे, हम देखते हैं पांचवें वचन में क्या हो रहा है कि परमेश्वर या यहूदा, मुझे क्षमा करिएगा, तीन उदाहरणों को देता है कि परमेश्वर का न्याय
तीन उदाहरण जो इस बात को पांचवें वचन में दिखाते हैं कि कैसे परमेश्वर का न्याय इन भक्तिहीन लोगों के जीवन में उतरेगा। पांचवें वचन में, चौथे वचन को हमने अभी समाप्त किया, पांचवें वचन में यहूदा बात करता है तीन ऐसे उदाहरणों के विषय में जो दिखाते हैं कि परमेश्वर का न्याय इन ऐसे लोगों के लिए, ऐसे झूठे शिक्षकों के लिए, झूठे भविष्यवक्ताओं के लिए, झूठे अगुओं के लिए तय है। और उस न्याय को दिखाने के लिए, उस दंड को दिखाने के लिए वो तीन उदाहरणों का प्रयोग करता है। पहला उदाहरण पांचवें वचन को पढ़ लेते हैं, पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो तो भी मैं तुमसे इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। तीन उदाहरणों के चौथे वचन के बाद यहूदा तीन उदाहरणों को, जैसा मैंने बताया, बताता है या देता है या लिखता है तीन उदाहरणों को जो परमेश्वर के दंड को ऐसे लोगों के लिए दिखाते हैं। कैसे लोगों के लिए? ऐसे झूठे शिक्षकों के लिए। पहला उदाहरण है द एग्जाम्पल ऑफ द पीपल ऑफ इसराइल, इसराइल के घराने, इसराइल के गोत्र या इसराइल के लोगों का उदाहरण यहूदा देता है। और वो पांचवें वचन में क्या कहता है, पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो तो भी मैं तुमसे इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नष्ट कर दिया। तो पहला उदाहरण जो यहूदा देता है पांचवें वचन में वो आ रहा है कहां से? इसराइल के घराने से, इसराइल के लोगों का उदाहरण वो देता है। हमें इस बात को समझना है, और यहूदा इस बात को जानता था कि जब वो इसराइल के घराने का उदाहरण या इसराइल के लोगों का उदाहरण दे रहा है तो वो कुछ नया नहीं कह रहा है विश्वासियों के। उस समय के विश्वासी इसराइल के उदाहरणों को जानते थे क्योंकि इसराइल का पूरा इतिहास पुराने नियम में मौजूद है। और हम भी पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने इन ऐसे आभक्ति लोगों के, झूठे शिक्षकों का, झूठे भविष्यवक्ताओं का कैसे न्याय किया, अगर हम पुराने नियम को उठा करके पढ़ें। तो यहूदा जब अपनी इस पत्री को विश्वासियों के लिए उस समय लिख रहा है तो वो कुछ नया नहीं लिख रहा है, क्योंकि विश्वासियों को पता है, उन्होंने अपने ओरल ट्रेडिशन में मौखिक रूप से सुना है, उन्होंने पढ़ा है तोरा में या पहली पांच किताबों में कि कैसे परमेश्वर ने झूठे शिक्षकों का, झूठे लोगों का, झूठे भविष्यवक्ताओं का न्याय किया है। मेरे प्रिय, तो कुछ भी नया वो नहीं लिख रहा है। और लेकिन यहूदा उन्हें उदाहरण के द्वारा समझाना चाहता है, क्योंकि बार बार उदाहरण देने के द्वारा वो उसे अपने वर्तमान परिस्थिति में लागू कर सकते हैं। क्यों मैं आपको बार बार ये चीज कह रहा हूं, झूठे शिक्षक, झूठे शिक्षक, ताकि आप भी वर्तमान परिस्थिति में इसे अपने जीवन में लागू करने पाए। मेरे प्रियो, तो मुझे और आपको ये समझना है कि हम में से हर एक मसीह जो ये उदाहरण यहूदा पुराने नियम से, ओल्ड टेस्टमेंट से ले रहा है इसराइल के लोगों के लिए, के द्वारा, हम भी एग्जैक्टली जानते हैं, हाँ हम भी कह सकते हैं यहूदा कहाँ का उदाहरण बोल रहा है, क्योंकि हमने भी इसराइल की कहानी को, इसराइल के इतिहास को पुराने नियम में पढ़ा है। और यहां इस पांचवें वचन में यहूदा हमें याद दिला रहा है कि हुआ क्या। अगर आप गिनती की पुस्तक उसके 14वें अध्याय को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। यहूदा यहाँ पर हमें, यानी उस समय के विश्वासियों को जिनको वो पत्री लिख रहा है, और आज के दिन हमें ये याद दिला रहा है कि एक्चुअली पांचवें वचन के द्वारा इतिहास में हुआ क्या था। परमेश्वर ने अपने लोगों को जो दासवत्व का जीवन जी रहे थे मिस्र के देश में, वहाँ से आज़ाद किया। और वो मिस्र से निकलने के बाद वो पहुंचे एक ऐसे स्थान में जिसका नाम था कदेश बर्निया। और वो कदेश बर्निया जो है वादे या वाचे का जो देश था उससे कुछ ही दूरी पर था। लेकिन उस कदेश बर्निया में क्या हुआ, उस कदेश बर्निया में लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास करने से इनकार कर दिया कि वो उस वाचे के देश, उस वादे के देश में प्रवेश करने पाए। और इसीलिए उस समय की वो सारी पीढ़ी जो मिस्र से निकली थी उनमें से कोई भी परमेश्वर के उस वादे के देश में कदम ना रखने पाया। हम सोचें कि परमेश्वर ने इसराइल के लोगों की उस परिस्थिति में क्या किया और कैसे उन लोगों ने
इस बात के प्रति उत्तर दिया। उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को देखा। उन्होंने देखा कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग में बांट दिया। उन्होंने इस बात को भी देखा कि कैसे परमेश्वर ने प्रतिदिन उनके लिए हर एक बात को उनकी रोटी के लिए मुहैया कराया, कैसे मन्ना अपने आप स्वर्ग से नीचे गिरता था और प्रतिदिन उस वीराने में, उस रेगिस्तान में परमेश्वर ने उनके लिए प्रतिदिन खाने का इंतजाम किया। उन्हें परमेश्वर के चमत्कार को देखा, लेकिन फिर भी इन सारे चमत्कारों को देखने के बावजूद भी वो आकर क्या हुआ उनके साथ, आकर के उन्होंने अविश्वास किया, विश्वास नहीं किया। और जिस कारणवश उस समय की वो पूरी पीढ़ी जो मिस्र से बाहर निकली थी, उनमें से कोई भी वाचे के देश में या वादे के देश में, कनान में कदम ना रखने पाए। परमेश्वर ने क्या किया, क्योंकि इतने सारे चिन्ह चमत्कार देखने के बाद भी इसराइल के लोगों ने विश्वास नहीं किया, परमेश्वर ने इन सब को, जिन्होंने विश्वास नहीं किया, परमेश्वर ने इनका नाश कर दिया। Those who doubted and rejected God, जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर संदेह किया और विश्वास नहीं किया, परमेश्वर ने कदेश बर्निया में उन सब का नाश कर दिया। उन्होंने एक बड़ा दाम अपने अविश्वास के प्रति, अपने परमेश्वर को तिरस्कार करने के प्रति एक बड़ा दाम चुकाना पड़ा। वो दाम क्या था? परमेश्वर ने उन सब का न्याय किया और परमेश्वर ने उनमें से, उन सब की मृत्यु हो गई, उनमें से कोई भी वादे के देश में नहीं पहुंच पाया। ये चेतावनी यहूदा की पत्री के द्वारा बड़ी साधारण रीति से स्पष्ट है और हम सब के लिए भी है। मेरे प्रियो, इसराइल के लोगों ने मिस्र से आज़ादी पाकर बाहर निकले, उनके पास कई सारी आशीषें परमेश्वर की ओर से थीं, लेकिन उन आशीषों के संग वो लंबे समय तक बने नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर के उस वादे पर विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर का सामर्थ और सुरक्षा उनके साथ है। मेरे प्रियो, यहाँ पर से मैं थोड़ा सा ध्यान आपका एक विचार की ओर खींचना चाहता हूँ। जिस प्रकार इस उदाहरण में जिसका प्रयोग यहूदा करता है अपनी इस पत्री में, पांचवें अध्याय पांचवें वचन में, वो ये दिखाना चाहता है कि इसराइल का घराना, जिसके लिए परमेश्वर खुद अपना सामर्थ्य हाथ बंद कर नीचे उतर आया, कई सारे चिन्ह और चमत्कारों को किया और उसके बाद उन्हें वाचा के देश के निकट ले आया, लेकिन उस वाचा और वादे के देश के निकट पहुंचने के बाद भी लोगों ने परमेश्वर पर, इतने सारे चिन्ह और चमत्कार देखने के बाद भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर का सामर्थ्य का वादा, परमेश्वर के उस वादे पे विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर की सुरक्षा उनके साथ है। इसलिए अंत में क्या हुआ? परमेश्वर ने उनका न्याय किया और उनमें से कोई भी वाचे के देश में, कनान में कदम ना रखने पाया। मेरे भी हो सकता है हमने भी अपने मसीह जीवन की शुरुआत परमेश्वर के कई सारे चिन्ह और चमत्कारों को देखने के द्वारा, उसके सामर्थ्य हाथों को अपने जीवन में देखने के द्वारा शुरू करी, लेकिन आज भी क्या हम वहीं पर हैं? क्या हम सच में परमेश्वर के उस वादे को थामे हुए हैं जो कहता है मेरी सामर्थ्य सुरक्षा तेरे संग संग जाएगी? आज की शाम हो सकता है मेरे प्रियो हम में से कुछ हैं जो निराश हैं, परेशान हैं, और हो सकता है एक लंबे समय से हम किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हों, हम बीमार हैं, एक लंबे समय से हम चाहते हैं परमेश्वर तू मुझे चंगा कर, लेकिन मेरे प्रियो आप इस वादे को थामे रही हैं। जो वादा परमेश्वर ने इसराइल के लोगों को दिया, वो वादा मेरा मानना हम सब के लिए है कि उसका सामर्थ्य और सुरक्षा हमारे संग संग है। होने दें, हम अपने विश्वास को डगमगाने ना दें, हम अपने विश्वास में स्थिर रहें, क्योंकि वो अपने वादों को पूरा करने में स्थिर परमेश्वर है। और इसलिए मेरे प्रियो वो यहूदा इस उदाहरण का प्रयोग करता है, हमें चेतावनी देता है अपने इस वचन के द्वारा, इस उदाहरण के द्वारा, कि अगर परमेश्वर अपने इसराइल के लोगों को उनके अविश्वास के कारण नाश कर सकता है, दंड करेगा, तो मुझे और आपको जो उसके लोग कहलाते हैं, हमें भी बड़ा सावधानी रखनी है कि कैसे हम अपने जीवनों को जीते हैं। मेरे प्रियो, उसके बाद मेरे प्रियो अगर हम छठे वचन की ओर बढ़ें तो हम दूसरे उदाहरण को देखेंगे, और अगर सातवें वचन की ओर बढ़ें तो हम तीसरे उदाहरण को देखेंगे। लेकिन मेरे प्रियो आज की शाम मैं इस पहले उदाहरण के संग अब इस बाइबल अध्ययन को विराम देना चाहता हूँ, और जो बचे हुए दो उदाहरण हैं हमारे अगले बाइबल अध्ययन में हम उन दो उदाहरणों को देखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ आज की शाम एक काम को आप करिए। हमने इस बाइबल अध्ययन को किया है मेरे प्रिय, और परमेश्वर इस बात को सीखा कि यहूदा अपने इस
उदाहरण के द्वारा, इस दंड के उदाहरण के द्वारा वो क्या बताना चाह रहा है कि जिस प्रकार परमेश्वर इसराइल के घराने के लिए विश्वास योग्य ठहरा और कई सारे बड़े बड़े आशीषों का उन्होंने उन आशीषों को उनके संग संग वो आशीषें चली, परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना दिया जो किसी को नहीं मिला, अपने लोगों को परमेश्वर ने स्वर्ग की रोटी दी खाने के लिए, उस रेगिस्तान में भी परमेश्वर ने उनके जूतों को घिसने नहीं दिया, उनके कपड़ों को परमेश्वर ने हर एक छोटी छोटी बात की सुरक्षा रखी। पर ये याद रखिए, आज के दिन हम विटामिन खाते हैं, हर चीज़ के लिए हमें ये प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड, और लेकिन उस समय में देखिए सारी चीज़ उस मन्ना में थी, उस स्वर्गीय रोटी में प्रोटीन भी था, कार्बोहाइड्रेट भी था, फैट भी था, सारे मिनरल्स भी थे, सारे विटामिन्स भी थे, लेकिन उस एक रोटी को खा कर वो जीवित रहे क्योंकि परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का सामर्थ्य और सुरक्षा उनके संग संग थी। लेकिन फिर भी उन लोगों ने परमेश्वर के प्रति अविश्वास दिखाया, परमेश्वर का इनकार किया, तिरस्कार किया, जिस कारण परमेश्वर ने उनका न्याय किया। मेरे प्रिय, होने दे आज की शाम हम भी इस बात पर ध्यान रखें, हमने भी परमेश्वर की कई सारी आशीषों को अपने जीवन में देखा है, होने दे हम उन आशीषों को हल्की रीति में ना लें, परमेश्वर के अनुग्रह को हल्की रीति में ना लें, लेकिन उसके वादे को थामे रहें जो वो कहता है, मेरी सामर्थ्य सुरक्षा तेरे संग संग जाएगी। हालेलुया। इसलिए आज की शाम इस उदाहरण के संग और ये पांचवें वचन का हमने अध्ययन किया और इसमें उसने यहूदा ने पहला उदाहरण दिया कि कैसे परमेश्वर ऐसे लोगों का ऐसे झूठे शिक्षकों का न्याय करेगा जो झूठी शिक्षाओं का प्रचार करते हैं, और कैसे न्याय करेगा, उस न्याय का पहला उदाहरण उसने दिया इसराइल के लोगों के विषय से, वो जो कि पांचवें वचन में हमने पढ़ा। हमारे अगले बाइबल अध्ययन में हम दूसरे और तीसरे उदाहरण के विषय में अध्ययन करेंगे कि कैसे परमेश्वर इन झूठे शिक्षकों का न्याय करेगा, उन उदाहरणों के द्वारा हमें यहूदा इस बात को दिखाता है अपनी पत्री में। लेकिन मेरा पूरा विश्वास और आशा यही है कि आज के इस छोटे से समय में जो हमने बाइबल अध्ययन को किया, आप सब आशीषित हुए हैं। हमारे अगले बाइबल अध्ययन में हम बचे हुए दो उदाहरणों के विषय में अध्ययन करेंगे कि कैसे यहूदा इन झूठे शिक्षकों के दंड और न्याय के विषय में बता रहा है कि कैसे इनका दंड या न्याय परमेश्वर करेगा, दो और उदाहरणों को देने के द्वारा। मेरी प्रार्थना विश्वास यही है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आप सब आशीषित हुए हैं। आज की रात आप सोने से पहले यहूदा की पत्री को पढ़िए, प्रार्थना करिए, और मेरी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर होने दे इस पत्री के द्वारा, जो सबसे छोटी पत्रियों में से एक है, आपसे बात करने पाए। आप सबको जय मसीह की।